Hello friends, welcome. Today we are going to read chapter number 3 from class 8 supplementary reader. The title of the chapter is The Selfish Giant. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. So friends, this story is about a garden aur is garden ka jo owner hai, wo ek giant hai. तो वहाँ पर जो बच्चे थे वो क्या करते थे जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे तो वो उस गार्डन में खेलने चले जाते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. ये जो गार्डन था वो बहुत ही बड़ा था और बहुत ही प्यारा था और उसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास लगी हुई थी और ग्रास पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स निकलते थे जो बिल्कुल स्टार्स के जैसे नज़र आते थे. और उस गार्डन में क्या था, वहाँ पे 12 पीच ट्रीज थे जो स्प्रिंग टाइम में जिन पर बहुत ही प्यारे प्यारे पिंक और पर्ल कलर के डेलिकेट ब्लॉसम्स निकलते थे यानी कि सॉफ्ट फ्लावर्स निकलते थे. और ऑटम सीजन आते आते ये जो फ्लावर्स होते थे वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते थे. द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड सेंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर. बर्ड्स इन ट्रीज पर आके बैठती थी और बहुत ही स्वीट सॉन्ग्स गाती थी जिसको सुनकर बच्चे खेलना बंद कर देते थे और उन बर्ड्स के गाने को सुनते रह जाते थे और वो बच्चे आपस में कहते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं. One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. So friends, होता क्या है, अब ये जिस giant का garden होता है वो अपने friend के यहाँ गया हुआ होता है. उसका जो friend होता है वो एक ogre होता है. Friends, ogre वो giant होता है जो लोगों को खा जाता है. और ये जो ऑजर था वो कॉर्नवेल एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पे रहता था. तो ये जो जाइंट था वो अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था और उसी के पास था 7 सालों से. अब ये जो जाइंट है वो वापस आ जाता है और वो जब आता है तो वो देखता है कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं. वॉट आर यू डूइंग हेयर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. बच्चों को गार्डन में खेलता हुआ देखकर वो बहुत ही रफ वॉइस में चिल्लाता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो. तो उसकी आवाज़ सुनकर सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, सेड द जाइंट. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. फ्रेंड्स, अब ये जो जाइंट था वो बहुत ही सेल्फिश था क्योंकि वो क्या कहता है कि ये जो मेरा गार्डन है वो सिर्फ मेरा ही गार्डन है और हर किसी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए. मैं किसी को भी यहाँ पर खेलने की परमिशन नहीं दूंगा, केवल यहाँ पर मैं ही खेलूंगा. सो उसने क्या करा, उसने उस गार्डन के चारों तरफ एक बहुत ऊँची वॉल बनवा दी और उसने वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड भी लगवा दिया जिस पे लिखा था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. फ्रेंड्स, ट्रेसपासर का मतलब होता है वो इंसान, वो लोग जो किसी की परमिशन के बिना कहीं पर एंटर करते हैं, और प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है पनिशमेंट. तो उसने जो बोर्ड लगवाया उसका क्या मतलब था कि मेरी परमिशन के बिना जो भी इस गार्डन के अंदर एंटर करेगा उसे पनिश किया जाएगा. He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. फ्रेंड्स, अब ये जो जाइंट था वो बहुत ही सेल्फिश था क्योंकि अब बेचारे बच्चों के पास खेलने की कोई भी जगह नहीं रह गई. उन्होंने रोड पे खेलने की भी कोशिश करी लेकिन जो रोड थी वो बहुत ही डस्टी थी और उसे बहुत सारे स्टोन्स भी थे तो बच्चों को वहाँ पे खेलना अच्छा नहीं लगा. तो वो बच्चे क्या करते थे, वो जो गार्डन के चारों तरफ वॉल थी उसके आसपास मूव करते रहते थे, इसके आसपास ही घूमते रहते थे. जब उनके लेसन्स यानी कि जो उनकी स्टडीज़ थी वो ओवर हो जाती थी तो वो उस वॉल के आसपास घूमते रहते थे और आपस में बातें करते हुए कहते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश थे. Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter.
The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. फ्रेंड्स, अब पूरी कंट्री में स्प्रिंग सीजन आ गया था. हर जगह छोटे छोटे से प्यारे फूल नज़र आते थे और छोटी छोटी बर्ड्स नज़र आती थी. लेकिन जो गार्डन था सेल्फिश जाइंट का, उसमें अभी भी विंटर था, यानी कि वहाँ पे स्प्रिंग सीजन नहीं आया था, क्योंकि बर्ड्स वहाँ पे गाना नहीं गाना चाहती थी, क्योंकि उस गार्डन में कोई भी बच्चा नहीं था. और ट्रीज़ को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि वो ब्लॉसम करना ही भूल गए हैं. वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप. अब एक बार वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा फ्लावर ग्रो कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड रीड किया, उसे बच्चों के लिए बहुत दुख हुआ और वो वापस ग्राउंड में ही समा गया और सो गया. दैट मीन्स जाइंट के गार्डन में फ्लावर्स ने खिलना बंद कर दिया था. ओनली पीपल हु वर प्लेस्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड. The snow covered up the grass with her great white cloak and the frost painted all the trees silver. So friends, अब इस गार्डन में केवल दो ही लोग खुश थे और वो कौन थे? स्नो और फ्रॉस्ट. और वो क्या कह रहे थे कि जो स्प्रिंग है वो तो इस गार्डन का रास्ता ही भूल गया है, सो हम यहाँ पर अब पूरे साल आराम से रह सकते हैं. स्नो ने पूरी ग्रास को अपने ग्रेट वाइट क्लोक से कवर कर दिया. फ्रेंड्स, क्लोक का मतलब होता है लूज कोट. तो हम कह सकते हैं कि क्या हुआ कि जो पूरी ग्रास थी उस पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बर्फ़ की चादर बिछी हुई है. और जो सारे ट्रीज थे वो सिल्वर नज़र आ रहे थे बिकॉज फ्रॉस्ट ने उन्हें अच्छे से कवर कर लिया था. देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम. ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन. स्नो और फ्रॉस्ट ने क्या करा, उन्होंने अपने फ्रेंड नॉर्थ विंड को भी वहीं पे बुला लिया और कहा कि हमारे साथ आके तुम भी रुक जाओ. तो जब नॉर्थ विंड वहाँ पर आया तो उसे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा और उसने क्या करा, उसने पूरे गार्डन को कवर कर लिया. दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट. सो द हेल केम. अब नॉर्थ विंड ने क्या कहा कि ये जगह तो बहुत अच्छी है और हमें हेल को भी यहीं पर बुला लेना चाहिए. तो उनके इनविटेशन पे हेल भी वहीं पर आ गया. एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द केस्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेज एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस. अब उस गार्डन में आकर जो हेल था वो भी बहुत खुश हुआ और वो 3 घंटे तक दिन में रैटल करता रहता था, यानी कि वो बरसता रहता था जो घर था जाइंट का उसकी रूफ पर. और उसके बाद वो पूरे गार्डन में घूमता था और उतना फास्ट जाता था जितना कि वो फास्ट जा सकता था. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्नो का, फ्रॉस्ट का, नॉर्थ विंड का, हेल स्टोन्स का राइटर ने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि राइटर हमें ये बताना चाहता है कि जाइंट के गार्डन में बहुत ज़्यादा सीवियर विंटर था और बाकी सीजन्स उसके गार्डन में आना भूल गए थे. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेट द सेल्फिश जाइंट एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन. आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. सिंस जाइंट के गार्डन में विंटर सीजन ही चलता चला जा रहा था, तो वो जो जाइंट था वो सोचने लगा कि ना जाने इस बार स्प्रिंग सीजन इतना लेट क्यों हो गया, स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया. आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही वेदर चेंज हो जाएगा. बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन. ही इज टू सेल्फिश, शी सेड, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज. लेकिन जाइंट के गार्डन में ना तो कभी स्प्रिंग सीजन आया, ना कभी ऑटम सीजन आया और ना ही कभी समर सीजन आया. ऑटम सीजन में हर जगह गोल्डन फ्रूट थे, सबके गार्डन में गोल्डन फ्रूट थे, लेकिन जाइंट के गार्डन में ऑटम सीजन ने आने से मना कर दिया और उसने क्या कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है. इसलिए जाइंट के गार्डन में हमेशा विंटर सीजन ही रहा और नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट और स्नो वहाँ पर डांस करते रहते थे ट्रीज में. One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music.
It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. एक दिन सुबह जब जाइंट अपने बिस्तर में लेटा हुआ था तो उसने एक बहुत ही लवली म्यूज़िक सुना और वो जो म्यूज़िक था वो उसके कानों को इतना प्यारा लगा कि उसे लगा कि कोई म्यूजिशियन होगा राजा का जो यहाँ से जा रहा होगा. लेकिन एक्चुअली क्या था, उसकी विंडो पर एक लिनेट बर्ड बैठी हुई थी जो गाना गा रही थी. लेकिन जाइंट ने बहुत लंबे समय से किसी भी बर्ड की आवाज़ अपने गार्डन में नहीं सुनी थी, तो लिनेट बर्ड के गाने को सुनकर उसे ऐसा लगा कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल म्यूज़िक है. देन द हिल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड कीज रोरिंग एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, सेड द जाइंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट. फिर अचानक से क्या हुआ कि हेल ने बरसना बंद कर दिया और जो नॉर्थ विंड थी उसने मूव करना स्टॉप कर दिया और जाइंट के रूम में जो ओपन केसमेंट था यानी कि जो ओपन विंडो थी उससे एक डिलीशियस परफ्यूम उसके रूम में आई. तो जैसे ही उसने उस परफ्यूम को स्मेल किया उसने कहा कि मुझे लगता है कि फाइनली जो स्प्रिंग सीजन है वो आ ही गया. उसके बाद वो अपने बेड से उतरा और विंडो के बाहर देखने लगा. He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. जब जाइंट ने विंडो के बाहर देखा तो उसे वहाँ पर एक बहुत ही वंडरफुल सीन नज़र आया अपने गार्डन में, क्योंकि जो गार्डन के चारों तरफ दीवार थी उसमें छोटा सा होल हो गया था और उसी होल के थ्रू बच्चे गार्डन के अंदर आ गए थे. बच्चे ट्रीज की ब्रांचेस पे बैठे हुए थे और वो जहाँ पे भी जिस भी ट्री को देखता था उस पर कोई ना कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ था और ये जो ट्रीज थे वो बच्चों को वापस पाकर इतने खुश थे कि वो ब्लॉसम करने लगे थे, उन पर वापस फूल आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि जो ट्रीज हैं वो अपनी आर्म्स को यानी कि अपनी ब्रांचेस को बच्चों के हेड के ऊपर बहुत ही जेंटली वेव कर रहे हैं. दैट मीन्स बहुत ही सॉफ्टली मूव कर रहे हैं. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. इट वॉज अ लवली सीन. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden and in it was standing a little boy. Birds garden में इधर से उधर fly कर रही थी और वो खुशी से twitter कर रही थी, गा रही थी और जो flowers थे वो green grass से ऊपर की तरफ निकल रहे थे और जो flowers थे वो भी हंस रहे थे. ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नज़ारा था, लेकिन गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी विंटर सीजन था और इस कॉर्नर में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड ही वॉज वेंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब ये जो बच्चा था वो बहुत ही छोटा था और इस वजह से वो ट्री की ब्रांचेस के ऊपर क्लाइंब नहीं कर पा रहा था, तो वो ट्री के चारों तरफ घूम रहा था और रोता चला जा रहा था. और सिंस वो बच्चा ट्री के ऊपर क्लाइंब नहीं कर पाया था इस वजह से उस ट्री पर अभी भी विंटर सीजन था, तो ट्री ने क्या करा, उसने अपनी ब्रांचेस को बहुत नीचे कर दिया जितना नीचे वो कर सकता था और बच्चे से कहा कि अब तुम क्लाइंब कर लो. लेकिन वो जो बच्चा था वो बहुत ही छोटा था और उसके बाद भी वो ट्री के ऊपर क्लाइंब नहीं कर पाया. इन द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड. नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग विल नॉट कम हियर. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. And my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done.
अब जैसे ही जाइंट ने उस छोटे से बच्चे को देखा तो उसे तरस आ गया। उसका जो हार्ट था वो मेल्ट हो गया और उसने सोचा कि मैं कितना सेल्फिश था। अब मुझे पता चला कि जो स्प्रिंग सीजन था वो मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रहा था। मैं सबसे पहले इस छोटे से बच्चे को ट्री की टॉप पर रखूँगा, उसे वहाँ पर बिठाऊँगा, और उसके बाद मैं ये जो दीवार है मेरे गार्डन के चारों तरफ उसे नॉक डाउन कर दूँगा, उसे रिमूव कर दूँगा, उसे गिरा दूँगा, और अब हमेशा के लिए मेरा ये जो गार्डन है वो बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा। जाइंट को अपने किए का पछतावा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। सो ही क्रेप डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। जाइंट इसके बाद धीरे से चुपचाप से अपने गार्डन में गया, लेकिन जैसे ही बच्चों ने जाइंट को देखा वो बहुत डर गए और वहाँ से भाग गए। बच्चों के जाते ही उस गार्डन में फिर से विंटर सीजन आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री। सारे बच्चे तो वहाँ से भाग गए, लेकिन वो जो छोटा बच्चा था वो वहीं पर रहा, क्योंकि उसकी आँखों में इतने आंसू थे कि उसे जाइंट आता हुआ नज़र ही नहीं आया। जाइंट धीरे से उस बच्चे के पीछे से आया और उसने उस बच्चे को अपने हाथों में लिया और उसे ट्री के ऊपर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक एंड किस्ड हिम। जैसे ही जाइंट ने उस बच्चे को ट्री के ऊपर बिठाया, एकदम से उस ट्री में फ्लावर्स निकल आए और जो बर्ड्स थीं वो उस ट्री पर आके बैठी और गाना गाने लगीं। उस छोटे से बच्चे ने अपने दोनों हाथों को जाइंट के गले में डाला और उसे किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. जब बाकी बच्चों ने देखा जाइंट को छोटे से बच्चे को प्यार करते हुए, तो उन्हें समझ में आ गया कि जो जाइंट है अब वो इतना विकेट नहीं रह गया है, वो इतना सेल्फिश नहीं रह गया जैसे कि वो पहले था। तो वो वापस से उस गार्डन में आ गए और जैसे ही बच्चे गार्डन के अंदर आए, स्प्रिंग सीजन भी गार्डन में वापस आ गया। जाइंट ने बच्चों से कहा कि ये तुम्हारा गार्डन है अब से बच्चों, और ऐसा कहते हुए उसने एक एक्स ली और जो दीवार थी उसे गिरा दिया। जब 12 बजे लोग बाज़ार की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने गार्डन में जाइंट को बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। बच्चे पूरे दिन उस गार्डन में खेलते रहे और शाम के वक्त वो जाइंट के पास आए उसे बाय कहने के लिए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सेड द बॉय आई पुट इनटू द ट्री द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। जाइंट ने बच्चों से पूछा, लेकिन वो जो तुम्हारा छोटा सा साथी था वो कहाँ पर है, वो बच्चा जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था। जाइंट को वैसे तो सारे ही बच्चे पसंद थे, वो सभी से प्यार करता था, लेकिन उसे उस बच्चे से कुछ ज़्यादा ही लगाव था क्योंकि उस बच्चे ने उसे किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन ही हैज़ गॉन अवे। हमें नहीं पता वो चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेट द जाइंट। बट द चिल्ड्रन सेट दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड। जाइंट ने बच्चों की बात सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम उसे कल अपने साथ लेकर आना। लेकिन बच्चों ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता कि वो बच्चा कहाँ रहता है, उन्होंने उससे पहले कभी भी उस बच्चे को नहीं देखा था। तो ये बात सुनकर जो जाइंट था वो बहुत ही उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट बट द लिटिल बॉय हुम द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन। The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. हर afternoon बच्चे school के बाद giant के garden में आते थे और giant बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन वो छोटा बच्चा उसके बाद giant को कभी भी नज़र नहीं आया। giant वैसे तो सभी बच्चों की तरफ kind था, लेकिन उसे तब भी अपना छोटा सा दोस्त याद आता था।
और जाइंट बाकी बच्चों को बताता था कि उसका उस छोटे से बच्चे से मिलने का कितना मन है। Years went by and the giant grew very old and feeble. ऐसे ही समय निकलता चला गया और जो giant था वो old हो गया, बूढ़ा हो गया और feeble हो गया, कमज़ोर हो गया। He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. तो ये जो giant था वो अब बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था, तो वो अपनी आम चेयर पे बैठा रहता था और बच्चों को गेम्स खेलता हुआ देखता था और अपने गार्डन को एडमायर करता था। जाइंट कहता था, वैसे तो मेरे गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग। अब एक विंटर मॉर्निंग जब जाइंट सुबह के समय तैयार हो रहा था तो वो खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन अब जाइंट को विंटर सीजन से नफरत नहीं होती थी बिकॉज उसे पता था कि अभी जो स्प्रिंग सीजन है वो सो रहा है और जो फ्लावर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही ये विंटर सीजन चला जाएगा और स्प्रिंग सीजन वापस आ जाएगा। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. लेकिन अचानक से उसने जो विंडो के बाहर देखा उसको देखकर वो सोच में पड़ गया और उसने अपनी आँखों को रब करा और बार बार उस चीज़ को देखा। It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung down from them and underneath it stood the little boy he had loved. जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ पे एक बहुत ही marvelous sight थी, एक बहुत ही beautiful scene था, क्योंकि garden के एक corner में एक tree था जिसपे white blossoms यानी कि जो white फूल थे वो निकल रहे थे। इस tree की जो branches थी वो golden color की थी और उस tree से silver fruit लटक रहे थे और उस ट्री के नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा हुआ था जिसे जाइंट बहुत प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रेन द जाइंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इन टू द गार्डन। ही हेस्टेड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड। जैसे ही जाइंट ने बच्चे को देखा तो वो बहुत ही खुश हो गया और वो बहुत ही जल्दी से ग्रास में उस तरफ भागा जहाँ पे वो बच्चा खड़ा हुआ था। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर। लेकिन जैसे ही जाइंट उस बच्चे के पास आया तो जो जाइंट का चेहरा था वो गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड हु हैड डेयर टू वुंड थी, फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट। जाइंट क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि उस बच्चे के हाथों पर और उसके पैरों पर दो नाखूनों के निशान थे। तो जाइंट ने उस बच्चे से पूछा कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की। हु हैड डेयर टू वुंड थी क्राइड द जाइंट, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग सॉर्ड एंड स्ले हिम। जाइंट ने दोबारा से बच्चे से पूछा कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की, मुझे बताओ, मैं अभी अपनी तलवार उठाऊंगा और उसे स्ले कर दूंगा, उसे मार डालूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव। बच्चे ने कहा, नहीं, क्योंकि ये जो वुंड्स हैं, ये जो निशान हैं, वो प्यार के निशान हैं। हु आर थू सेड द जाइंट एंड अ स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। उस बच्चे का जवाब सुनकर जो जाइंट था उसके दिल में एकदम से फीलिंग आने लगी रिस्पेक्ट की और उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो, और वो उस बच्चे के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। अब उस बच्चे ने जाइंट को देखकर स्माइल किया और कहा कि आपने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज आप मेरे साथ चलोगे और मेरे गार्डन में खेलोगे, और मेरा जो गार्डन है वो क्या है, पैराडाइज, हेवन। सो फ्रेंड्स, वो बच्चा गॉड थे जो जाइंट को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स। जब उस दिन बच्चे आए आफ्टरनून में गार्डन में खेलने के लिए तो उन्होंने पाया कि जो जाइंट था वो ट्री के नीचे डेड पड़ा हुआ था, यानी कि जाइंट मर गया था, और जो जाइंट की बॉडी थी वो पूरी तरीके से वाइट फ्लावर से कवर्ड थी।